Very good morning to all of you. Myself Manoj Kumar Sharma. You are most welcome in this video of Plus One Accountancy. We are discussing bills of exchange, and today we will discuss accounting treatment of bill dishonored. आज के वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि विनिमय पत्र का अनादरण किसे कहते हैं और उसे लेखा पुस्तकों में किस तरह से लिखा जाता है. हमने पिछले वीडियोस में हमें आपको बताया है कि जब उधार माल बेचा जाता है तो जो लेखक होता है, माल को बेचने वाला होता है, जो लेनदार होता है, वो स्वीकर्ता पर एक बिल लिखता है. और इस बिल पर जो स्वीकर्ता है वह अपनी स्वीकृति सिग्नेचर करके दे देता है और ये बिल फिर जो है वो लेखक के पास आ जाता है. अब ये लेखक जो है वो इस बिल को चार तरह से जो है वो डील कर सकता है, वो हमने आपको बताया है. या तो लेखक जो है वो इस बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखता है, या लेखक जो ड्रॉर है वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, या लेखक बिल को इंडोर्स कर देता है अपने किसी नेक्स्ट क्रेडिटर को, और या तो वो बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है. अब डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है कि जब ड्यू डेट को या भुगतान की तिथि, जिसे हम डेट ऑफ मैच्योरिटी भी कहते हैं, उस डेट को लेखक जो है वो उस बिल को स्वीकर्ता के सामने प्रेजेंट करता है तो स्वीकर्ता भुगतान करने से इनकार कर देता है. व्हेन ही डिनाइज टू मेक द पेमेंट मीन्स व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रेजेंटेड बिफोर द एक्सेप्टर एंड ही डिनाइज टू मेक द पेमेंट, इट इज कॉल्ड डिसऑनरिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. विनिमय पत्र का अनादरण, भुगतान की तिथि पर जब विनिमय पत्र लेखक द्वारा स्वीकर्ता के सामने भुगतान के लिए पेश किया जाता है और स्वीकर्ता उस बिल का भुगतान करने से इनकार कर देता है तो उसे हम बिल का अनादरण कहते हैं. अब ये बिल का जो अनादरण होता है, इसकी जर्नल प्रविष्टि जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो बिल जो है वो प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया, मींस मैच्योरिटी डेट को वो बिल है किसके पास. तो हमने आपको पहले भी बताया कि लेखक के पास जब ये बिल स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आ जाता है तो वह लेखक इस बिल को चार तरह से यूज कर सकता है. या तो वो बिल को अपने पास रखेगा, तो इसका मतलब बिल उसी के पास है, या वो बिल को बैंक से पहले डिस्काउंट करवा लेगा, इसका मतलब बिल जो है वो बैंक के पास है, और यदि उसने बिल को किसी अपने अगले लेनदार को दे दिया है, मीन इंडोर्जी को दे दिया है, तो इसका मतलब बिल जो है वो इंडोर्जी के पास है, और या बिल उसने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया हुआ है तो बिल जो है वो बैंक के पास है. तो डिसऑनरिंग का मतलब है कि जब ड्यू डेट पे बिल जो है वो एक्सेप्टर के पास प्रेजेंट किया जाएगा तो वो उसकी पेमेंट करने से इनकार कर देता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिल जो है वो प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया. तो पहला केस हमारे पास होगा जब बिल लेखक के पास ही होगा और वो प्रेजेंट करेगा और स्वीकर्ता उसकी पेमेंट करने से इनकार कर देगा. दूसरा, अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया है तो बिल बैंक के पास होगा, तो इसका मतलब ड्यू डेट को जो भुगतान की तिथि होगी उस तिथि को बैंक बिल को प्रेजेंट करेगा तो स्वीकर्ता उसकी पेमेंट नहीं करेगा. तीसरे केस में जब बिल इंडोर्स किया गया है, बेजान किया गया है लेनदार को, तो बिल जो है वो उस लेनदार द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा और जो स्वीकर्ता है वो उसकी पेमेंट करने से इनकार कर देगा. और फोर्थ केस में जब बिल बैंक में जमा करने के लिए कलेक्शन के लिए भेज दिया गया है तो उस डेट को जो है वो बिल बैंक द्वारा जो है वो स्वीकर्ता के सामने पेश किया जाता है और उसकी पेमेंट करने से वो इनकार कर देता है. तो हमारे पास फोर केसेस होंगे. हम वन बाय वन पहले आपको हर केस में इसकी जर्नल एंट्रीज बताते हैं. तो सबसे पहले, व्हेन द बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट बाय द ड्रॉअर, जब लेखक उस बिल को
देय तिथि तक अपने पास रखता है और देय तिथि को वो बिल को जो है वो स्वीकर्ता के सामने प्रेजेंट करता है पेमेंट के लिए, लेकिन स्वीकर्ता जो है वो उसकी पेमेंट करने से इनकार कर देता है। तो हमारे पास जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, वी हैव ट्रांजेक्शन इज व्हेन सपोज वी सपोज हियर मिस्टर एक्स जो है वो एक लेखक है और मिस्टर वाई जो है वो एक स्वीकर्ता है। तो हमारे पास फर्स्ट केस जो है कि व्हेन एक्स रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट, जब मिस्टर एक्स मतलब लेखक जो है वो इस बिल को दे तिथि तक अपने पास ही रखता है और दे तिथि आने पर जब वो बिल को स्वीकर्ता मतलब बाई के सामने प्रस्तुत करेगा तो बाई उस बिल की पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सबसे पहली एंट्री तो व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, तो एक्स की बुक्स में एंट्री है कि वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि एक्स वाई पर बिल लिखेगा, एक ऑर्डर लिखेगा और उसको जो है वो वाई स्वीकृति देकर मतलब अपने साइन करके उसको वापस कर देगा, मतलब स्वीकृति जब मिल जाती है एक्स को। तो सेकेंड एंट्री हमारे पास होती है व्हेन एक्सेप्टेंस रिसीव, तो जब एक्स को वाई से स्वीकृति मिल जाती है तो एक्स की बुक्स में एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा केस आ गया कि ऑन द मैच्योरिटी डेट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जब बिल को वो अपने पास ही रखता है, अब जब ड्यू डेट आ जाएगी ऑन मैच्योरिटी डेट द व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, तो ये केस फर्स्ट केस ऐसा है जिसमें लेखक देय तिथि तक बिल को अपने पास ही रखता है और जब देय तिथि को वो इस बिल को स्वीकर्ता के सामने प्रस्तुत करेगा तो स्वीकर्ता जो ड्रॉई होता है, जो डेटर होता है, जिसको गुड्स बेची गई होती है, जिसने पैसे देने होते हैं, वो इस बिल की पेमेंट करने से इनकार कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की बुक्स में एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जब उसे एक्सेप्टेंस मिलती है, जब स्वीकृति मिलती है तो एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, लेकिन जब बिल डिसऑनर हो जाता है इसका मतलब उसने सहमति नहीं दी, तो इससे रिवर्स एंट्री हो जाएगी हमारे पास, तो एंट्री इज वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये है हमारे पास फर्स्ट केस व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर टिल द ड्यू डेट। अब सेकंड केस, अगर बिल को एक्स ने ड्यू डेट से पहले ही डिस्काउंट करवा लिया है, तो फर्स्ट एंट्री व्हेन द एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, सेम एंट्री मीन वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। देन व्हेन द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, तो जब एक्सेप्टेंस मिलेगी तो फिर हमारे पास एक्स की बुक्स में जो है सेम एंट्री मींस बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, इस केस में भी। ठीक है, लेकिन थर्ड केस में क्या होगा? व्हेन द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, तो अब क्या करेगा एक्स, क्या करेगा? बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा, तो एंट्री हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, एंड वी हैव ऑन द ड्यू डेट, अब ड्यू डेट को क्या हुआ? बिल इज डिसऑनर्ड, क्योंकि अब हुआ क्या है कि मिस्टर एक्स ने इस बिल को पहले ही बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है और जब ड्यू डेट आएगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी, तो उस डेट को बिल को प्रेजेंट कौन करेगा? बिल है किसके पास? बैंक के पास है, तो बैंक जो बिल को प्रेजेंट करेगा तो मिस्टर वाई जो ड्रॉई है, जो एक्सेप्टर है, वो बिल की पेमेंट करने से इनकार कर देता है, तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या एंट्री हो जाएगी? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग बिल इज ऑनर्ड। तो यहां देख सकते हैं आप कि अगर बिल एक्स के पास है तो एंट्री हो रही है वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अगर बैंक के पास है तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब तीसरा केस, यदि एक्स ने इस बिल को अपने क्रेडिटर मिस्टर जेड को इंडोर्स कर दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री तो व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, सेम एंट्री मींस वाई अकाउंट डेबिट टू सेल ही एंट्री यहां पे होगी। ठीक है, व्हेन द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, तो विल द रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, इस केस में भी जब उसने जेड को इंडोर्स कर दिया है बिल, तो भी यही एंट्री होगी एक्सेप्टेंस मिलने की। तीसरी एंट्री, क्योंकि जब उसने बिल को जेड को इंडोर्स कर दिया तो एंट्री हो जाएगी जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्या एंट्री हो जाएगी? जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और फिर क्या हुआ? ड्यू डेट जब आई तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर जब बिल हुआ तो क्या हुआ कि मिस्टर जेड, बिल किसके पास था? मिस्टर जेड के पास, तो मिस्टर जेड ने जब ये बाई के सामने प्रेजेंट किया बिल तो उसने पेमेंट करने से इनकार कर दिया, मींस बिल इज डिसऑनर्ड। ठीक है, तो एक्स की बुक्स में जब उसने इस बिल को जेड को इंडोर्स कर दिया हुआ है तो डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू जेड, क्या जोनल एंट्री हो जाएगी? वाई अकाउंट डेबिट टू जेड मीन ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू जेड, एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू जेड। अब लास्ट केस है हमारे पास
व्हेन एक्स सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, यदि एक्स ने इस बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया है। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास व्हेन द एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, सेम एंट्री मीन वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होगी। दूसरी व्हेन द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, सेम एंट्री मीन्स बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई होगी। अब थर्ड, क्योंकि उसने बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया है, तो हमने पहले डिस्कस किया है कि जब बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया जाता है तो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, एक अकाउंट नया खोल दिया जाता है। तो व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो एंट्री हो जाएगी बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी? बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। एंड नाउ अब इस केस में भी क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी डेट द बिल इज डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड का मतलब क्या हुआ कि व्हेन द बैंक प्रेजेंट द बिल, द बिल इज अ डिसऑनर्ड। ठीक है, तो इस केस में जब ये फोर्थ केस हमारे पास होगा तो डिसऑनर की एंट्री हमारे पास ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट की एंट्री हो जाएगी, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो आप डिसऑनर की एंट्री देख सकते हैं कि अगर बिल मिस्टर एक्स के पास है तो एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अगर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर बिल जेड को एंडोर्स किया गया है तो वाई अकाउंट डेबिट टू जेड, और अगर बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये तो थे चारों केसेस में एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होगी। अब वाई की बुक्स में हमारे पास क्या जर्नल एंट्रीज होगी, तो वाई की बुक्स में व्हेन द एक्स सोल्ड द गुड्स टू वाई, जब एक्स वाई को गुड्स बेचेगा तो वाई खरीद रहा है, तो वाई की बुक्स में एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, being goods purchased. Second, when the acceptance receipt, तो Mr. X को स्वीकृति मिलेगी लेकिन Mr. Y जो है वो स्वीकृति देगा, तो Mr. Y की बुक्स में हो जाएगी X account debit to bills payable, X account debit to bills payable. ठीक है, अब इन तीनों केसेस की, डिस्काउंट करवाने की, इंडोर्स करने की और बिल को बैंक में भेजने की, we have no entry in the books of Y. Y की बुक्स में इसकी कोई भी जर्नल एंट्रीज नहीं होती, क्योंकि Y को इस चीज का कोई मतलब नहीं होता है कि मिस्टर एक्स जो ड्रॉर है वो बिल को, बिल की पेमेंट कैसे ले रहा है। ठीक है, वो ड्यू डेट तक अपने पास रख रहा है या डिस्काउंट करवा रहा है या एंडोर्सी को एंडोर्स कर रहा है या कलेक्शन के लिए भेज रहा है, वो जो वाई जो ड्रॉई होता है उसको, उसकी बुक्स में कोई भी एंट्री इसकी नहीं होती। देन नाउ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डेट, तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी नाउ व्हाट हैपन, तो हमने डिस्कस किया कि बिल जब प्रेजेंट होगा तो वाई जो है वो बिल की पेमेंट करने से इंकार कर देगा। देन एंट्रीज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, एंट्री हो जाएगी बीइंग बिल डिसऑनर्ड। तो ये थे हमारे पास चारों केसेस, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस एंड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इसके साथ आप ये डिस्कस देखेंगे कि हम क्वेश्चंस को जो है वो किस तरह से करते हैं। द क्वेश्चन इज मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज 5000, मिस्टर एक्स जो है वो वाई को 5000 रुपए की गुड्स बेचता है 1 जनवरी 2010 को, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए बेचता है। ठीक है, उधार। नाउ एक्स ड्रॉज द बिल्स ऑन द बाई ऑन द सेम डेट, एक्स बाई पर उसी डेट को बिल लिख देता है, ऑर्डर लिख देता है, एंड वाई एक्सेप्ट इट, वाई इसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड रिटर्न इट टू एक्स, और फिर उसको किसको दे देता है, वापस एक्स को दे देता है। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, और जब ड्यू डेट आती है तो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड बाई, अगर इफ द एक्स रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट, अगर एक्स उस बिल को अपने पास रखता है ड्यू डेट तक। सेकेंड, इफ एक्स डिस्काउंट बिल एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट फ्रॉम द बैंक। थर्ड, इफ द एक्स इंडोर्स द बिल टू जेड एंड व्हेन द एक्स सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर अ कलेक्शन। तो फर्स्ट से पहले हम डिस्कस करते हैं एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एंड इन फर्स्ट केस व्हेन ही कीप्स द बिल टिल द ड्यू डेट। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास सेम एंट्रीज है, जब एक्स ने वाई को गुड्स बेची 5000 की, तो ये देखो 1 जनवरी 2010 को हमारे पास आ जाएगा y अकाउंट डेबिट टू सेल फॉर हाउ मच 5000 एंड 5000। सेकेंड, व्हेन द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑन द सेम डेट 1 जनवरी 2010, सेम एंड वी हैव अमाउंट इज 5000 एंड 5000, ये आपने क्लियर कर लेना। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ ऑन द ड्यू डेट व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, एंट्री इज y अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब ड्यू डेट कब आएगी, देखो 1 जनवरी को बेचा है ना माल उधार, तो 1 जनवरी के बाद 2 मंथ्स काउंट कर लिया आप, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1
मार्च और फर्स्ट मार्च में तीन दिन हम और ऐड कर देंगे फोर्थ मार्च। तो जब 4 मार्च 2010 को ये बिल वाई के सामने प्रेजेंट किया तो वाई ने क्या कर दिया, इसको पेमेंट करने से इनकार कर दिया। तो हमारे पास एंट्री जो होगी वो हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट केस। अब देखो सेकंड केस, व्हेन द एक्स डिस्काउंट्स द बिल फ्रॉम द बैंक एंड एट 10% डिस्काउंट। तो देखो पहली एंट्री वी हैव सेल वाई अकाउंट डेबिट टू सेल 5000 5000। सेकंड एंट्री इज सेम बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 5000 and 5000। अब थर्ड एंट्री एक और, क्योंकि बिफोर ड्यू डेट क्या किया है एक्स ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल हमारे पास था 5000 का, क्लियर, और डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं 5000 into 10/100 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, क्योंकि उसी डेट को उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो 2 मंथ्स का आपके पास जो है वो डिस्काउंट लग जाएगा। तो कर सकते हैं आप, ठीक है, 2 मंथ्स का आप ये निकाल सकते हैं। तो 83.3 जो है वो डिस्काउंट, मतलब हम 83 यहां पे कौन ले कर सकते हैं, तो 4917। तो इस तरह से ये इसने बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लिया। अब ड्यू डेट को क्या हुआ, बिल इज डिसऑनर्ड। तो एंट्री इज नाउ वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक हियर 5000 हियर 5000। क्लियर, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। अब थर्ड केस, व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड टू जेड। तो पहले केस में वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, सेम एंट्री वी हैव विद द रुपीज 5000 and 5000। देन सेकंड इज व्हेन द एक्सेप्टेंस रिसीव, जब स्वीकृति मिलेगी, सेम एंट्री हियर विद द सेम अमाउंट, मींस बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है, विद रुपीज 5000 and 5000। नाउ थर्ड एंट्री वी हैव व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड, तो जब बिल को इंडोर्स किया तो जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, हाउ मच इट इज, इट इज 5000 and 5000। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड द एंट्री इज वाई अकाउंट डेबिट टू जेड हियर 5000 हियर 5000 एंड द नरेशन इज बींग बिल डिसऑनर्ड। Clear? Now, the fourth case we have when the bill is sent to bank for a collection. So, first, when the goods sold to X sold goods to Y, we have the same entry, Y account debit to sale with the rupees 5000 and 5000. Second entry, when the acceptance received, the same entry, in this case also, bill receivable account debit to Y with rupees 5000 and 5000. But now, the third entry is because the bill is sent to bank for a collection. So the entry in the books of X is bill for collection account debit to bills receivable. It is 5000 and 5000. Narration is being bill sent to bank for a collection and at the time of maturity. Okay, on the 4th March 2010, the bill is dishonored and in this case the entry is Y, mean DROI account debit to bill for collection account, how much it is, it is again 5000 and 5000. Narration is being bill dishonored. So these are the entries we have in all the four cases. Now entry in the books of we have entry in the books of Y, theek hai, so we have sale purchase account debit to X on 1st Jan 2010, how much rupees 5000 and 5000, being goods purchased. Second entry in the books of buy, we have when the acceptance is given, the entry is X account debit to bills payable on the same date. We have with rupees 5000 and 5000, being acceptance given. Okay, now in the books of Y, we have already told you there is no entry for discounting the bills, endorsement and sending the bill to bank for a collection. No entries. ठीक है, जब बिल को वो बैंक में भेजेगा, बिल को इंडोर्स करेगा, बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजेगा, वाई की बुक्स में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। नाउ एट द टाइम व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, अब जब ड्यू डेट आएगी ऑन 4th मार्च 2010,
तो मिस्टर वाई रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट, वो बिल की पेमेंट करने से इनकार कर देता है. तो वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द एंट्री इज बिल्स पेपल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, ड्रॉर मीन एक्स. तो एंट्री हो जाएगी 5000 एंड 5000 नरेशन इज बीइंग बिल डिसऑनर्ड. क्लियर? तो आपने देखा कि बिल डिसऑनरिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है. और फिर इन ऑल फोर केसेस हमने आपको बताया कि जब भी बिल लिखा जाता है ड्रॉर द्वारा, ड्रॉई पे, तो हमारे पास जो ड्रॉर होता है, जो लेखक होता है, उस बिल को चार तरह से जो है वो प्रयोग कर सकता है, ठीक है. तो इन चारों केसेस में हमने आपको बताया कि जो बिल डिसऑनर होता है जब, तब जो है वो जर्नल एंट्रीज क्या होती है, एक्स की बुक्स में, ठीक है. वाई की बुक्स में एक ही तरह की एंट्रीज होंगी, ठीक है. चाहे वो फर्स्ट केस है जब जब वो बिल को अपने पास रखता है, जब वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाता है, जब बिल को वो एंडोर्स कर देता है, जब वो बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है. एक्स की बुक्स में कोई वाई की बुक्स में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है. उसमें सेम एंट्रीज रहती है, पहली गुड सोल्ड की, तीसरी एक्सेप्टेंस की, और फोर्थ जो है वो बिल डिस ऑनरिंग की, ठीक है. लेकिन एक्स की बुक्स में जो है वो हर केस में जर्नल एंट्रीज जो है वो डिफर होती है. तो आज के इस वीडियो में हमने डिस ऑनरिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है. तो आई होप कि आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से एक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.